हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपका अपने चैनल एनीबॉडी कैन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना तेल के हरी मिर्च का चटपटा तीखा अचार। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार होगा, झटपट बनेगा और सालों साल खराब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है बिना तेल के हरी मिर्च का चटपटा तीखा अचार। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में एक छोटे चम्मच मेथी के दाने लेंगे, आंच धीमी रखेंगे और मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि मेथी का कलर डार्क ना होने पाए, नहीं तो अचार में कड़वापन आ जाएगा। हमें मेथी को धीमी आंच पर लगभग 40 से 50 सेकंड तक भूनना है, जिसमें मेथी का मॉइस्चर निकल जाए। मेथी को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में एक चम्मच पेपर कॉर्न यानी कि काली मिर्च के दाने डालेंगे। इसे भी धीमी आंच पर लगभग एक मिनट तक रोस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें सारे मसाले को अलग अलग ही रोस्ट करना है, एक साथ नहीं, क्योंकि सभी मसालों का कुकिंग टाइम अलग अलग होता है। अगर हम सारे मसाले एक साथ रोस्ट करेंगे तो कुछ मसाले जल जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में एक चम्मच मोटी सौंफ डालेंगे और इसे भी धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। सौंफ बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, केवल 10 सेकंड में। ध्यान रखें कि सौंफ जलने ना पाए। इसे भी जल्दी से प्लेट में निकाल लेंगे। अब दो चम्मच राई दाल यानी कि बिना छिलके वाली सरसों लेंगे। इसे भी धीमी आंच पर 30 से 40 सेकंड तक रोस्ट करेंगे। इसकी जगह आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं। अगर आप सरसों के दाने ले रहे हैं तो सरसों के दाने केवल 5 से 7 सेकंड में ही रोस्ट हो जाएंगे और चटकने की आवाज आने लगती है। राई दाल को भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। इसे भी धीमी आंच पर 12 से 15 सेकंड तक रोस्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अजवाइन पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और हरी मिर्च के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। जब सारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इनको जार में ट्रांसफर करेंगे और इनको एकदम महीन पीस लेंगे। कुछ लोग मसाले को दरदरा पीसते हैं, लेकिन हमें इन मसालों को दरदरा नहीं पीसना है, एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है। चेक करेंगे, परफेक्ट, हमारा मसाला एकदम महीन पिसा है। इसे बोल में निकाल लेंगे। अब अचार के मसाले में 4 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर नमक कम होगा तो अचार खराब होने का डर होगा, इसलिए नमक परफेक्ट होना चाहिए। और अब हम इन मसालों को फिलहाल के लिए एक तरफ रखेंगे। अब मैंने हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए 150 ग्राम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। मिर्ची के डंठल निकालकर इसे धोकर इसका अतिरिक्त पानी सुखा लिया है। मिर्ची के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मिर्च में पूंछ वाला पार्ट भी काटकर अलग कर सकते हैं। ऐसा करने से मिर्च का अचार देखने में अच्छा भी लगेगा और परोसने में भी। इसी तरह से सारी मिर्च के टुकड़े कर लेंगे। हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हमने जो मसाला तैयार करके रखा था, कटी हुई मिर्च को मसालों में ऐड करेंगे। चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बोल के ऊपर एक सूती कपड़ा बांध देंगे। रबर बैंड से या फिर धागा से चारों तरफ अच्छे से पैक करेंगे। अब मसाले वाली इन हरी मिर्च को 2 घंटे के लिए एक तरफ रखेंगे। अब हरी मिर्च का बिना तेल के अचार बनाने के लिए मैंने 7 नींबू लिए हैं, जिनमें से 6 कागजी नींबू हैं और 1 मैंने बड़े साइज का अटर्रा नींबू लिया है। नींबू को काटकर 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सभी नींबू से जूस निकालेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज के नींबू हैं तो आप 8 से 10 नींबू ले सकते हैं और बड़े नींबू हैं तो 7 से 8 नींबू से ही काफी रस निकल जाता है। नींबू के रस को सीधे मिर्च वाले बोल में छान लेंगे। चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू के रस को छानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें नींबू के बीज और रेसे हों तो निकल जाएंगे। हरी मिर्च का बिना तेल का अचार बनकर तैयार हो गया है। मिर्ची का अचार सालों साल खराब ना हो तो इसके लिए ध्यान रखें कि जार को गुनगुने पानी से साफ करने के बाद इसे धूप में रखकर सारा पानी सुखा लें। अब अचार को जार में ट्रांसफर करेंगे।
हरी मिर्च का अचार सालों साल खराब ना हो तो इसके लिए इसमें नींबू का रस इतना होना चाहिए कि मिर्च डूब जाए, जैसे कि हम तेल डालते हैं। मिर्च नींबू के रस में डूबी रहेंगी तो ये खराब नहीं होंगी। अब जार में सूती कपड़ा रखकर इसे रबड़ से या फिर धागे से बांध देंगे और जार को 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि अचार को रात में बाहर ना रहने दें, नहीं तो ओस पड़ जाएगी, जिससे अचार खराब होने के चांस होंगे। 2 से 3 दिन के बाद हरी मिर्च का अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे आप पराठे, थेपला, पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये अचार। मेरे बच्चे इसे आलू के पराठे के साथ खाना बहुत ही पसंद करते हैं। अचार निकालने के लिए हमेशा सूखी और साफ चम्मच का प्रयोग करें। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो अचार सालों साल खराब नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।